तिजारा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान टीटू जाटव की अध्यक्षता में बैठक शुरू की गई। सभा में क्षेत्र के सभी सरपंचों ने बिजली पानी की समस्याओं के मुद्दे उठाए। क्षेत्र में पानी के हैंडपंप अधिकतर खराब पड़े हैं और कई सरपंचों ने AEN और XEN पर हैंडपंपों को ठीक नहीं कराने और उनका सामान न देने सहित मनमानी के आरोप लगाए। सरपंच ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारी को फोन लगाते हैं तो वो फोन नहीं उठाते, विद्युत विभाग के अधिकारी को फोन लगाया जाता है तो फोन स्विच मिलता है, तो समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। सभागार में विधायक मामन सिंह यादव ने भी शिरकत की। वहीं क्षेत्र के सभी सरपंचों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर विधायक मामन सिंह को अवगत कराया। विधायक मामन सिंह ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि एक सप्ताह के अंदर क्षेत्र के हैंड पंप और पानी से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान अधिकारी तुरंत करें। विद्युत समाचार में भी जो भी लाइन है, जो कृषि कनेक्शन या जो सरकारी योजना है, 500 रुपये की योजना भी हमारे बच्चों को पहुँचने दी 500 रुपये में प्रचार प्रसार करने के लिए पंचों के पास सभी पास जाएंगे और अपने ग्राम को त्याग के अपने सभी वार्डों में अपनी जनता को लाभ देने का काम करेंगे और बीमारियों के बारे में भी जो दोषी सभी जो भी भिन्न समस्याएं जो क्षेत्र की थी उनके बारे में सभी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी सभी ने अधिकारियों को हमारे सामने आशा रखी। हमने सभी अधिकारियों को जो भी समस्याएं आई है उन सभी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश जारी किए और हम आशा करते हैं कि आप लोग संवेदनशील मानते हुए जो भी समस्याएं उनके सत्तर सिंह समुदाय काम करेंगे और हम सब जनप्रतिनिधि।